पूरे देश में विश्वकर्मा पूजा का उल्लास देखने को मिला। जहां हर वर्ष कन्या संक्रांति के दिन विश्वकर्मा पूजा मनाया जाता है, हर वर्ष की भांति इस बार भी बिहारी महासभा ने देहरादून में विश्वकर्मा पूजा का आयोजन किया। कार्यक्रम में मुख्य रूप से उत्तराखंड के कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी भी मौजूद रहे। पूजा का आयोजन बन्नू स्कूल के ग्राउंड में किया गया। बिहारी महासभा के द्वारा विश्वकर्मा दिवस का कार्यक्रम लंबे समय से मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी विश्वकर्मा की मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा की व्यवस्था की गई है। सुबह मिट्टी की मूर्ति बनाकर पूजा कराई गई। मंत्र उच्चारण से पूरा इलाका भक्तमय हो गया। धूप दीप तांबुल से विधिवत पूजा किया गया। क्षेत्रीय बिहारी महासभा के सदस्यों ने अपने काम करवाने वाले औजार करनी साथी वसूली गई थी। कुदाल और लोहे के औजार इकट्ठा किए गए। उन सभी औजारों की भी पूजा की गई। वहीं प्रोग्राम में पहुंची भोजपुरी गायक कल्पना पटवारी ने सांस्कृतिक गीतों की प्रदर्शनी की, साथ ही इस दौरान शानदार प्रस्तुति भी हुई, जिसके भजन सुनकर जिनकी प्रस्तुति सुनकर सभी लोग अभिभूत हो गए। कार्यक्रम का आयोजन किया गया। देखिए, सबसे पहले तो बिहारी महासभा को मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। हर वर्ष कई वर्षों से विश्वकर्मा पूजा का कार्यक्रम आपके द्वारा मनाया जाता है। मैं कई वर्षों से आपके बीच में आ रहा हूं, लेकिन आज का दिन बहुत महत्वपूर्ण है। जहां प्रभु विश्वकर्मा की पूजा आज हम आप कर रहे हैं, जो महान शिल्पी थे और आज नए भारत के निर्माता, जिन्होंने नए भारत का निर्माण 10 साल में किया है, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भी जन्मदिन है। ये एक सहयोग कह सकते हैं। तो इस अवसर पर मैं उनको शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और ये मैं कहना चाहता हूं कि नए भारत के निर्माण में बिहार के समाज की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर बिहार के समाज को इस निर्माण से अगर माइनस कर लें, आप देश के अंदर कहीं भी चले जाएं, ये एक बहुत अच्छे निर्माण करता है। और मैंने तो इस चीज को बहुत नजदीक से देखा है। मैं जब छोटा बच्चा था, शायद मैं उस टाइम 5वीं 6वीं में पढ़ता था, हमारा मकान बन रहा था, तो एक शिव शंकर ठेकेदार है बिहार के, उन्होंने मेरे मकान को बनाया था। और बाद में जब बड़े होकर मैंने देखा, हम कहीं काम होता है किसी के, हम किसी ठेकेदार की बात करते हैं तो ये लोग कमिटेड होते हैं, ईमानदारी से काम करते हैं, मेहनत से काम करते हैं। तो मैं बिहार समाज के देश के विकास में इसकी भूमिका के लिए भी साधुवाद देता हूं। आज जो भोजपुरी का कार्यक्रम बिहारी महासभा के बैनर के तले हो रहा था, विश्वकर्मा पूजा का आयोजन था, इसमें कल्पना पटवारी मुंबई से चल के आई थी और कुछ बिहार से भी कलाकार आए थे। इसमें बहुत अच्छा कार्यक्रम रहा। अनेक तरह के बिहार से रिलेटेड, असम से रिलेटेड, झारखंड से रिलेटेड और भोजपुरी का भी जो प्रचलित गाना है, छठ का गाना, ये सारे का प्रस्तुति हुआ। सब लोगों ने कुछ गानों में भाव विभोर हुआ। विदेशिया भी गाया उन्होंने, जो कि एक बहुत पहले प्रथा था, बेटी बिचवा वाला, वो भी गाया। तो समय लगा कि रोम रोम खड़ा हो।